फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिपेयर विद शिवम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ब्लूटूथ स्पीकर की, जिसकी आवाज़ बहुत फटी फटी आ रही है। अब फटी फटी क्यों आ रही है, अब मुझे भी नहीं पता। अब मैं इसको खोल के एक बार दिखा देता हूँ जो इसमें से फटी फटी आवाज़ क्यों आ रही है। एक बार मैं आपको पहले सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ आवाज़ कैसी आ रही है इसकी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ऑन हो चुका है। मैं एक बार इसे कनेक्ट करके बजा के दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ये कनेक्ट हो चुका है। एक बार मैं इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप आवाज कैसी आ रही है इसमें। अब मैं एक बार आवाज फुल करता हूँ इसका। देख सकते हैं आप आवाज कैसी आ रही है इसकी। अब मैं एक बार इसे खोल कर दिखा देता हूँ जो इसमें दिक्कत क्या। आखिर पहले तो मैं इसके ऊपर वाली जाली खोलूंगा, ये जो अंदर। देख सकते हैं हम स्पीकर कैसा है कि नहीं, सही है कि नहीं, खराब तो नहीं हो गया स्पीकर। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये स्पीकर अंदर घुस चुका है, एकदम दब चुका है स्पीकर। मतलब कहीं गिरा होगा तो ये स्पीकर निकल चुका है, जहाँ फंसा हुआ रहता है। और आप देख सकते हैं ये स्पीकर का जो ये पर्दा है, ये भी फट चुका है पूरे तरीके से। ये देख सकते हैं आप, ये पर्दा पूरा फट चुका है। एक बार मैं एक ऐसा गाना सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसका पर्दा फट चुका है, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है इसमें से। पर्दा फट चुका है इसका, इसलिए इसमें से ऐसी आवाज आ रही है। अब मैं एक बार इसे इसका मैं बताऊंगा पर्दा, इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा स्पीकर है ऐसा बिल्कुल सेम, तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास बाय चांस दूसरा स्पीकर नहीं आता है, तो अब मैं बताता हूँ फिर इसको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं। इसी पर्दे को हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम इस स्पीकर को खोल लेंगे आराम से। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स आप इस तरीके से सिर्फ इसी स्पीकर को सही कर सकते हैं। मैं जो तरीका बता रहा हूँ, आप इसी तरीके से किसी भी स्पीकर को सही कर सकते हैं। मैंने ये इसका कवर खोल लिया। मैं इसके यहाँ पर चार स्क्रू है, मैं उन चारों को भी खोल लेता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने स्पीकर खोल लिया। स्पीकर ये बुरी तरीके से एकदम फट चुका है, इसका चारों साइड का पर्दा अलग हो चुका है। अब मैं एक बार इसमें गाना बजा कर दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप कैसे बज रहा गाना। फ्रेंड्स, तब मैं इसको बताता हूँ हम इसको 5 रुपए में कैसे सही कर सकते हैं। सिर्फ 5 रुपए लगेंगे हमें इसे सही करने में। हमारे पास दो ऑप्शन है, या फिर हम इसको दुकान पे जाके पर्दा चेंज करवाए। दुकान पे ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है हमें, तो इसलिए हम घर पर इसको करेंगे सिर्फ 5 रुपए में। और हमारे पास एक ऑप्शन ये भी आता है, या फिर हमें इसका स्पीकर चेंज कर दे। और बट हमें इस साइज़ का स्पीकर हमें मार्केट में भी जल्दी कहीं अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए हम इस ऐसा स्पीकर को हम जल्दी ढूंढ के नया लगा भी नहीं सकते। और हम चाहे तो इसी स्पीकर को रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या लगेगा, हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी। फ्रेंड्स, तो हम एक ऐसा टेप ले लेंगे। ये टेप काफ़ी बड़ा है, 1-5 रुपये का आता है, छोटा डबल साइडेड टेप, हम उसे ले लेंगे। मेरे पास ये बड़ा वाला था, इसलिए मैंने बड़ा वाला ले लिया। अगर आपके पास बड़ा वाला है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको ख़रीदना है तो 1-5 रुपये का छोटा सा टेप आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो मैं इस टेप की मदद से इसको सही करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे मैं ये स्पीकर को सही करूँगा। बने रहे वीडियो एंड तक। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये छोटा सा टेप इसमें लगा रखा है। ऐसी कर करके हमें पूरे में लगाना है एंड तक, यही टेप ऐसी छोटे छोटे पीस कट कर करके हमें पूरे में लगाना है। एक बार और मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने छोटा सा पीस ले लिया टेप का, मैं इसको ऐसे रिमूव करके ये दोनों साइड पतला सा चिपकता है। ध्यान रखें मोटा वाला का भी टेप ना ले, इसमें पतले वाले की ही जरूरत पड़ेगी। इसको ऐसे करके इसमें आराम से एकदम चिपकाना है। उसके बाद किसी पतले चीज की हेल्प से
जैसे कि मैंने चिमटा ले रखा है, ऐसे कर करके मैं पूरे पे प्रेस कर दूंगा एक बार इसको। ऐसी कर करके हम इसको पूरे में लगाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये स्पीकर में कैसे टेप लगा दिया है चारों साइड से। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसमें चारों साइड से यहाँ पर मैंने इसमें टेप लगा दिया है, और अच्छे से मैंने इसका जितने भी फट रखे थे वहाँ पर अब ये बंद हो चुके हैं फटे हुए, जो आपको दिखाई दे रहे थे उस टाइम। अब मैं एक बार इसमें सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ, जो आवाज़ फटी हुई तो नहीं आ रही। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी अंतर है पहले वाले साउंड में और इस वाले साउंड में। पहले फटी फटी सी आवाज़ आती थी, अब बिल्कुल फटी हुई आवाज़ नहीं आ रही, अब एकदम क्लियर वॉइस है इसमें। ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया से बन चुका अभी ये स्पीकर। अब मैं एक बार इसको पैक करके आपको बजा के दिखा देता हूँ, जिसमें से आवाज़ फटी हुई तो नहीं आ रही। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा पैक कर दिया है। अब मैं एक बार इसे बजा के दिखा देता हूँ, जिसमें से अभी भी आवाज़ वैसी आ रही है कि नहीं फटी हुई जैसे पहले आ रही थी हमें। अब मैं एक बार इसे बजा के चेक कर देता हूँ। पहले इसमें ऑन कर लेता हूँ, ये ऑन हुआ है और ये कनेक्ट भी है। अब मैं एक बार इसमें सॉन्ग प्ले करता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब इसमें से बिल्कुल भी फटी हुई आवाज नहीं आ रही है जैसे हमें पहले आ रही थी फटी हुई आवाज, क्योंकि इसमें मैंने टेप लगा के वो मैंने उसका पर्दा सही कर दिया है। आप उस तरीके से भी सही कर सकते हैं। अगर आपके पास नया पर्दा है, नया स्पीकर है, तो आप नया भी लगा सकते हैं। मेरे पास नया स्पीकर नहीं था, इसलिए मैंने वो पुराने वाला ही लगा दिया उसमें। ये आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल अभी सही आवाज दे रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं जो ये वीडियो आपको कैसी लगी हो। अगर आपको इस तरीके की और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।